सोसाइटी में औरतों के खिलाफ जो जुल्म होते हैं या उनके राइट्स इंफ्रिंज किए जाते हैं, उस चीज को रोकने के लिए कौन कौन से? हर दिन हर बच्चे को जो स्कूल जाती है, जो कॉलेज जाती है, उसको क्या चीजें फेस करनी पड़ती है, और हर महीने एंड एवरी मंथ आपको महीने के 3-4 दिन जो है वो इस डर से गुजरता है कि आप अगर कहीं बाहर होंगे तो क्या आप अपनी केयर कर पाएंगे, क्या आप चेंज कर पाएंगे, क्या आप डिस्पोज ऑफ कर पाएंगे, क्या आपको ऐसी जगह मिल पाएगी जहां पर आप चेंज कर सकें, जहां आप रिफ्रेश हो सकें। तो मुझे मुझे इस बारे में सोचकर हमेशा ये रहा कि मैंने कुछ ना कुछ इनके लिए करना है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू टुडे कि हमने एक डाटा लिया कि कितने स्कूल्स हैं जहां पर डिसफंक्शनल टॉयलेट्स हैं। स्कूल्स में पानी हो, साबुन हो, उनकी सहूलत के लिए एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एंड हैविंग द एक्सेस टू फैसिलिटीज टू डिस्पोज दीज मेंस्ट्रुअल मैनेजमेंट मटेरियल्स। तो इसमें सुविधा हो स्कूल्स में भी, हायर सेकेंडरी सेकेंडरी स्कूल्स में जहां भी प्यूबर्टल गर्ल्स हो, तो वहां पे सुविधा होनी चाहिए कि इनके सेफ डिस्पोजल के लिए भी सुविधाएं हों। मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बड़गाम को, हमारी डॉक्टर सहरी साहिबा को, जिन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि बड़गाम में ऐसा कोई प्रोग्राम कभी हुआ ही नहीं है, वो खासकर कि वुमेन्स के लिए नहीं हुआ है। आज जो प्रोग्राम होने जा रहा है वुमेन्स के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि हमें इससे बहुत सी जानकारियाँ मिल रही है, हम अवेयर हो रहे हैं कि वुमेन्स क्या है, वुमेन्स के हकूक क्या है, राइट्स क्या है वुमेन्स के। एंड यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मशीनरीज हो रही है उनसे हमारी जो गर्ल्स है, ज्यादातर हमारी गर्ल्स घर पे बैठी है, उनके पास कोई जॉब नहीं है, बेरोजगार है, उनको इनसे जॉब्स मिल सकती है, रोजगार मिल सकता है। हम चाहते हैं कि ऐसी प्रोग्रेस हमारे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, क्या खासकर हमारे मोहल्ले में हो, क्योंकि इनसे बहुत सारी जानकारी है।